नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक नेपाल के गोरखा ने पूरे तालिबान में हड़कंप मचा के रख दिया है। नेपाल के दीप प्रसाद पुना 30 तालिबानियों पर भारी पड़ गई। नेपाली गोरखा ने अफगानिस्तान से छुड़ाए 558 नेपाली नागरिकों को। अफगान में फंसे हुए 36 नेपालियों को नेपाली गोरखा ने बचा लिया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाली गोरखा से आखिर तालिबान क्यों डर गया। हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण किए जाने के बाद से अब तक 558 नेपालियों को बचाकर सुरक्षित घर वापस भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा कि 317 ने बचाव के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाया है। बचाए गए नेपाली नेपाल पहुंचने के लिए नियमित और चार्टर उड़ानों में सवार हुए थे। सरकार ने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ मिलकर अफगानिस्तान में फंसे नेपालियों को बचाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया है। वेब पोर्टल में फंसे नेपालियों के ऑनलाइन पंजीकरण और नई दिल्ली में नेपाल दूतावास और स्थिति केंद्र द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। और नेपाल के कई ऐसे मित्र देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में फंसे नेपालियों को बचाने और उन्हें जल्द से जल्द घर वापस भेजने में बहुत बड़ी मदद की है। और नेपाली गोरखा ने अब मिशन की कमान संभाल ली है। एक नेपाली गोरखा दीप प्रसाद पुणे से पूरा तालिबान हिल चुका है, जो अकेला नेपाली गोरखा 30 तालिबानियों पर भारी पड़ा। और नेपाली गोरखा के कारण अब अफगानिस्तान में फंसे हुए सभी नेपाली सुरक्षित अपने देश वापस लौट रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।